Hi everyone, welcome वेलकम बैक टू channel. चैनल सो आज की वीडियो होने वाली है कैबिन क्र्यूज से रिलेटेड ही गाइज आप लोग मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ लाइक like मेरे पास कमेंट्स आते हैं ओब्वियसली डाउट होते हैं बट डाउट बहुत बेसिक बेसिक है लाइक like हमें कैबिन क्यू बनना कैसे है ये चीज़ को लेकर भी अभी आप लोगों को डाउट हो रहा है तो हर चीज़ क्लियर करने वाली उसमें हाइट वेट क्या आपको कॉम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब कुछ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आई टाइम सो सबसे पहले कैबिन क्यू बनने के लिए आपका नेसेसरी है एटीन प्लस होना ठीक है एटीन प्लस से लेकर ट्वेंटी सेवन आपकी एज होनी चाहिए ट्वेंटी सेवन तक ठीक है एटीन टू ट्वेंटी सेवन के बीच में क्योंकि छोटे बच्चे से तो वो काम कराएंगे नहीं आपका एटीन प्लस होना जरूरी है आपको इंसान कहता है मैं टेंथ पास हूँ या फिर मेरी एट सिर्फ सिक्सटीन ईयर्स है क्या मैं कर सकती हूँ आप बिल्कुल कर सकते हैं बट एटीन प्लस होने के बाद ठीक है अगर आप एटीन ईयर्स में दो दिन भी कम है तो वो आपको नहीं लेंगे आपका 18 प्लस होना जरूरी है और 27 सेवन ईयर्स के अंदर होना जरूरी है ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैबिन क्यों बन गए और सत्ताईस साल के बाद वो आपको निकाल देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है आप तब तक काम कर सकते हो जब तक आप चाहो बट 27 सेवन इज द लास्ट एज ऑफ एप्लीकेशन ठीक है उसके बाद आपका अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता ओके okay. अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्या एज है नेक्स्ट इसमें अब हम जब बात करते हैं जस्ट एक्सक्यूज आई एम जिस चुंग दिंगम एज वेल तो उसको थोड़ा एक्सक्यूज कर देना हाइट uh, तो जो है ज्यादा में कितनी भी हो सकती है कम से कम वन फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर होना जरूरी है और जो आपका वेट है वो आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए बीएमआई कैलकुलेटर के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ उसको जाके देख लेना नहीं तो फिर से बता रही हूँ आप गूगल पे लिखोगे बी एम आई कैलकुलेटर एंड उसमें अपनी हाइट डालोगे अपना वेट डालोगे मेट्रिक में जाकर डाल देना या फिर जैसे भी डाल देना और नीचे आएगा बी एम आई कैलकुलेटर एटीन टू ट्वेंटी टू के बीच में आपका बी एम आई होना चाहिए उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए एक बेसिक बता रही हूँ अगर आपकी हाइट वन फिफ्टी फाइव से लेके वन सिक्सटी सेंटीमीटर में है तो आपका वेट कुछ फोर्टी सिक्स से फिफ्टी फाइव के बीच में होना चाहिए इतना मैंने आपको एक बहुत क्लैरिटी उस पर दे दिया है ठीक है इससे ज़्यादा वेट होगा तो आई डोंट नो बट इतना ही होना चाहिए वन सिक्सटी तक में फोर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी फाइव तक में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो थैंक यू बोल देना आप लोग मेरे को मैंने आपको बहुत क्लियर क्लियर वर्ड्स में बता दिया है फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेना गूगल पे जाकर ठीक है एंड देन क्या पहन के जाएँ क्या नहीं पहने तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो एक बहुत बेसिक सी यूनिफॉर्म बता रही हूँ जो आप पहन के जा सकते इंटरव्यू में जस्ट वियर अ प्लेन शर्ट एंड पैंट पैंट नहीं है तो आई uh, फिर लाइक like, जीन्स वगैरह मत पहनना कहने का मतलब है आप uh, किसी से बोरो कर सकते हो एक दिन के लिए कि पैंट दे दो पैंट नहीं है तो स्कर्ट पहन के चले जाओ मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है वो स्कर्ट फॉर्मल रखना अगर फॉर्मल नहीं हो तो मैं मैं जैसे अपने इंडिगो के जब इंटरव्यू में गई थी तो मेरी स्कर्ट में सेंटर में ना पूरे सेंटर में बटन्स लगे हुए थे बट वो थी ब्लैक कलर की तो वो करके जा सकते हो आप ठीक है Uh, बहुत लोगों का ये था कि हेयर स्टाइल में बन ही बनाना ज़रूरी है जी बिल्कुल नहीं मैं ने जिस भी इंटरव्यू में गई चाहे एयर इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो सब क्लियर हुए एंड uh, किसी में भी मैंने बन नहीं किया था अभी तक अभी भी बन बना के नहीं बैठी हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि अभी मैंने बन इसलिए नहीं बना रखा क्योंकि मैं आ चुकी हूँ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से ट्रेनिंग से आने के बाद इट्स नॉट लाइक कि आपको बन बनाना ज़रूरी है ठीक है तो ये चीज़ और अगर आप लोगों को मेरा ये मेकअप पसंद आ रहा है जो मेरा सुबह मैंने बारह बजे किया था और इस टाइम रात के दस बज रहे हैं अभी तक ऐसे कैसा है तो आपको अगर ये वाला मेकअप देखना है कि कैसे किया है और कैसे इतना टिका हुआ है तो यू गाइस कैन जस्ट वेट फॉर अ वाइल जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे इसकी पूरा ट्यूटोरियल आने वाला है शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वीडियो में सो यस एंड ऑल्सो आपका मेकअप हो गया क्लियर एंड योर हेयर स्टाइल इज क्लियर क्या पहनना है ये चीज़ मैं अभी बता देती हूँ uh, वो भी मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ बट जो ब्लेजर है उस पर बहुत डाउट था कि ब्लेजर पहनना है नहीं पहनना कैस देखो अगर नहीं है नहीं है आपके पास फॉर्मल तो उसका एक सिंपल सा वो है आप पहन के चले जाओ जो, जो मर्ज़ी ताकि आपको ठंड ना लगे बट जब आप इंटरव्यू में स्टार्ट लाइक जब आप अंदर जाओ तो अपना कोट उतार के जाना ठीक है और एक चीज़ और बता देती हूँ बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वहां पर सेकेंड राउंड ऑफ़ मेडिकल जब हो रहा होता है जिसमें आपका बी एम आई वो लोग मेजर करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं अगर आपको पता है कि आपका वेट ज़्यादा है तो भाई अगर आपने कोट पहन था, कोट को रखा है तो कोट को उतार दो फ़ोन रखा है तो फ़ोन को रख दो ये सब चीज़ें करके जाओ क्योंकि उन चीज़ों से भी आपका वेट इफ़ेक्ट होता है ट्रस्ट में और अपना वेट मेजर कराने से पहले कुछ खाना पीना मत अगर आपका वेट आपको पता है कि ज़्यादा आता है ठीक है ट्रस्ट मी टू द फैक्ट और अगर आपको पता है कि आप बहुत हड्डी से हो मेरी तरह आपका वेट कम आता है तो दो तीन गिलास पानी पी के जाना वहाँ पर ना वेट मेजर कराने ठीक है वेट ज़्यादा आएगा लाइक like, प्रपोर्शनेट आएगा अभी बता रही हूँ दैट्स ट्रिक ठीक है ऐसी बहुत सी ट्रिक के लिए फॉलो करते रहो मेरे को बता दी रहूँगी क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ स्मार्ट वर्क कर लो हार्ड वर्क से कुछ नहीं बता एंड यस एसेसरीज़ की जब आप मुझसे बात कर रहे थे कि क्या पहननी है तो एक सिंपल से स्टच्स पहन लो रिंग्स पहन लो इंटरव्यू में तो कोई आपको नहीं रोकने वाला है इन सब चीज़ों के लिए uh, एक हाथ में वॉच रखो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म वाला वो आता है बस दैट्स इट एंड यस मेरी तरह अगर आपको नेल्स लगा के कॉन्फिडेंस आता है तो नेल्स लगवा लो और ऑफ दैट एंड हील्स पहन के जाना हील्स फ्लैट में अच्छा नहीं लगता हील्स इज नेसेसरी आपको कैबिन क्रू बन रहे हो आप अगर चलना नहीं आता हील्स पहन के तो चलने के आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते अगर हम चाहें तो इफ़ यू वॉन्टेड यू हैव टू डू इट ठीक है बिकॉज यू वॉन्टेड और अभी बता रही हूँ एक किसी ने मुझसे पूछा था कि कैबिन क्र्यू बनना क्या सिर्फ आ, हम तैयार हुए गए प्लेन में जाके और सर्व किया था अच्छा गईज नहीं तीन महीने इतनी बिगरेस्ट ट्रेनिंग होने वाली है अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा हमें कुछ और नहीं करना पड़ेगा तो आप बहुत गलत हो तो इस चीज़ पर यू हैव टू स्टडी अलॉट बहुत पढ़ाई है बहुत पढ़ाई है ट्रस्ट मी इतनी पढ़ाई आपने कभी सोची भी नहीं होगी लाइक like, uh, क्योंकि आप लाइफ से डील करने वाले हो तो बहुत पढ़ाई है ट्रस्ट मी टू द फैक्ट आप लोग मुझसे नोट्स मांग रहे थे गाइज uh, मैं बहुत जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी नोट्स ऑल दो इट्स नॉट अलाउड मैं अभी बोल रही हूँ आई डोंट नो हाउ पीपल कैन शेयर इट इट्स नॉट अलाउड है ना बट हाँ आपको एक बेसिक बेसिक रेफरेंस जरूर दे सकते हैं हम लोग दैट इज़ ऑल्सो आई विल बी गेटिंग इट इन सम टाइम बट आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अलाउड आप कैबिन क्रू हो नहीं हो डजेंट मैटर बट ठीक है जब इतना सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी कर देंगे आपने पूछा था ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है पैसे मिलते हैं नहीं मिलते गए इस ट्रेनिंग तीन महीने की होती है आपके स्टाइपेंस आते हैं उसे हम सैलरी नहीं कहते स्टाइपेंस है, कहते हैं जो आपके आई थिंक ट्वेल्व टू ट्वेंटी के उसमें आती है इन बिटवीन डिपेंड कि आपके वर्किंग डेज कितने हैं ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट दिया है आपके वर्किंग डेज कितने हैं आपका इसमें कोई परफॉर्मेंस कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट ठीक है आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा यहाँ पर अगर आप हो तो यस ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया है इस के बाद इसका एक सेकेंड पार्ट और आने वाला है जिसमें मैं और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ सो वेट फॉर द वीडियो लट्स ऑफ लव सब्सक्राइब करते रहो